एसडीएम महावन द्वारा बलदेव के बाजारों का निरीक्षण किया गया, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर दो दुकानों को सील किया गया। बलदेव में मंगलवार को एसडीएम महावन द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए बाजार का भ्रमण किया गया। इसी भ्रमण के दौरान उनके द्वारा दुकानदारों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देशों के अनुसार दुकानदारों का उसका पालन न करते पाए जाने पर दो कपड़ों की दुकानों को सील किया गया। साथ ही अन्य दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर बाजार के दुकानदारों में हड़कंप मचा रहा और वहीं अपनी अपनी दुकानों से ग्राहकों को कम करने में दुकानदार लग गए। एसडीएम द्वारा की गई इस कार्रवाई से बाजार में खलबली मची रही। इस कार्रवाई के संदर्भ में उपजिला अधिकारी जग प्रवेश ने जानकारी दी। जी, बाजारों में जैसे देखने पर आया है कि अनलॉक वन जो कि 1 जून 2020 से प्रभावी है और दुकानों को सशर्त खोलने की अनुमति दी गई है, परंतु देखा गया है कि आमतौर पर लोग काफ़ी मात्रा में बाजारों में इकट्ठा हो रहे हैं, जिससे भीड़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है और लोग खासकर दुकानदार वगैरह भी मास्क वगैरह नहीं पहन रहे हैं, जिससे एक संक्रमण का खतरा फैल रहा है। तो पिछले कुछ दिनों से ऐसी समस्याएं मार्केट में आ रही थी, जैसे बलदेव मार्केट में पिछले 3-4 दिनों से ऐसी शिकायतें आ रही थी, उसका संज्ञान लेते हुए आज मेरे द्वारा दो दुकानों को सील की कार्यवाही की जा चुकी है और भविष्य में भी अगर लोग नहीं पालन करते हैं, दुकानदारों की ये जिम्मेदारी तय की गई है कि वे खुद भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क वगैरह पहने, सैनिटाइजेशन वगैरह रखें और अपने ग्राहकों को भी इसका पालन करने के लिए प्रेरित करें। पर देखने पर आया है कि काफ़ी लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों को फाइनेंशियली अर्थदंड पहले भी लगाए हुए हैं, लेकिन जो लोग बार बार अर्थदंड लगाने के बावजूद नहीं मान रहे हैं, उनके बाद दुकानों को नोटिस देकर सील किया जाएगा। तो आज उसी के परिप्रेक्ष्य में दो दुकानों को बलदेव नगर पंचायत में सील कर दिया गया। सर, राया बाजार को भी खुलने को लेकर कुछ दिशा निर्देश?